हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में, जो कि जाकर वहाँ पर खाएंगे कुछ बहुत बढ़िया फास्ट फूड। वहाँ के कस्टमर्स का रिव्यू लेंगे और आपको मैं रेस्टोरेंट दिखाऊंगा कितना अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं पर्सनली उस रेस्टोरेंट का ही एक कस्टमर हूँ। रेगुलरली जब भी मेरे को फास्ट फूड खाना होता है, मैक्सिमम टाइम्स मैं उसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ। तो वो एक प्यारा सा रेस्टोरेंट है, मैं आपको बताऊँगा कि वो रेस्टोरेंट कैसा है एंड उसमें क्या क्या डिशेज हैं। ओके, तो चल के मज़े लेते हैं उस रेस्टोरेंट के और फास्ट फूड खाने के। और चलिए फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार, सब्सक्राइब कर लो, ऐसा मत करो। मेरे जितने व्यूज़ आते हैं उसके 50% मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यार ऐसा मत करो, सब्सक्राइब कर लो, मेरे को बहुत तसल्ली मिलती है। ओके, जिसने सब्सक्राइब कर लिया उसको तहे दिल से, पूरे जिगर से थैंक यू। जिसने नहीं किया, आराम से कर लेना, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, डिसाइड कर लो। तो चलिए अभी हम चलते हैं जल्दी से ब्लॉग शुरू करने के लिए। लेट्स बिगिन, 1 2 3। तो गाइस, मैं आ गया हूँ अब यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसी रेस्टोरेंट में। और अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए आप, रेस्टोरेंट पर बहुत धूमधाम से काम चल रहा है, सब लोग यहाँ पर हैं। और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस रेस्टोरेंट में जो खाना है एकदम डिलीशियस मिलता है। मैं यहाँ पर रेगुलरली खाता हूँ। भैया से आपकी बात करवाऊँगा, थोड़ा मेन्यू देख लेते हैं और थोड़े चार्जेस भी देख लेते हैं और देखते हैं अंदर की सिटिंग और फूड सब कुछ आपको एक एक करके बताऊँगा। फ़िलहाल सबसे पहले बनता है कि हम भैया से बात करें। तो भैया ये यहाँ पर हैं, आप मेरे को बताइए यहाँ रेस्टोरेंट में क्या क्या मेन्यू, मतलब स्पेशलिटी क्या है रेस्टोरेंट की? तो यहाँ पर भैया आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? टाइमिंग मतलब मेरा ही ओनर, मैं ही ओनर हूँ इधर का। 7 ईयर्स हो गए सर। 7 ईयर्स से ये रेस्टोरेंट चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मेन्यू कार्ड। इस मेन्यू कार्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं, आप पॉज करके पूरा मेन्यू देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ, हर तरह का फास्ट फूड आपको मिल जाता है, तो जो मेरे को बेस्ट लगता है वो मैं ऑर्डर करके बता देता हूँ। तो भैया जी, एक पाव भाजी जी बन जाएगी और वेज चीज़ सैंडविच, बिल्कुल। कितना क्या रेट है सर? पाव भाजी, स्पेशल पाव भाजी 70 रुपीज़ प्लेट और वेजिटेबल चीज़ सैंडविच 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ जी। ओके भैया, डन। तो पहले पाव भाजी भेजना, उसके बाद में वेज चीज़ सैंडविच भेजना। ओके, स्पेशल पाव भाजी। तो हम यहाँ पर चक्के देखेंगे पाव भाजी, लेकिन जब तक ये पाव भाजी बनती है जब तब तक अपन थोड़ा सा कस्टमर से रिव्यू ले लेते हैं। ओके, सो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर, कुछ कस्टमर्स ऑलरेडी यहाँ पर सीटेड हैं, मैं उनसे रिव्यू लेने के लिए आ गया हूँ। तो भैया बताइए क्या नाम है आपका, एक बार थोड़ा सा इधर लाइट में आ जाइए। हाँ भैया बताइए क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा नाम है मेरा, और मैं यहाँ पे 2-3 साल से काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, और जब से यहाँ आया मेरे को काफ़ी पसंद है, काफ़ी हेल्दी फास्ट फूड है और बिल्कुल बेस्ट। ओके, तो भैया आपको यहाँ के फास्ट फूड में क्या अच्छे लगते हैं, आप क्या ज़्यादातर खाते हैं? मैं यहाँ पे ज़्यादातर सेमी पनीर चिल्ली खाता हूँ, ड्राई वाली, और पानी पूरी, छोला टिकिया वगैरह काफ़ी सबसे अच्छा। ओके, अच्छा लगता है आपको? चार्जेस यहाँ के रीजनेबल हैं कि नहीं? शानदार है। ओके, बाहर की तुलना में यहाँ तो काफ़ी बेस्ट है। ओके, थैंक यू भैया। तो यहाँ पर देखिए कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन। अच्छा, आप रेटिंग दे दीजिए भैया, 5 में से कितनी रेटिंग देंगे इस रेस्टोरेंट को? 5 से 5। ओके गुड, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रेस्टोरेंट है कि 5 में से 5 की यहाँ रेटिंग है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बात करा देता हूँ वर्कर्स के साथ में, जो यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट को इतना अच्छे से ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप क्या बन रहा है, भैया क्या बना रहे हो आप? ओके, तो भैया यहाँ पर हमारे लिए पाव भाजी बना रहे हैं, हम थोड़ा सा प्रोसेस देख सकते हैं किस तरीके से पाव भाजी बन रही है। यहाँ पे पाव सेके जा रहे हैं, भाजी भी बनाई जा रही है साथ के स्टोव पे।
एकदम बढ़िया लग रहा है भैया। वेजी सैंडविच भी आप ही बनाते हैं? यस सर। ओके ओके, तो भैया मेरे को पता है आपकी स्पेशलिटी है डोसा, तो आप एक काम कीजिए, एक डोसा मेरे को घर के लिए पैक करवाना है, वो आप कर दीजिए अभी। ओके, यहाँ पर देखिए सब्जियाँ कटना शुरू हो गई हैं। और भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैयालाल शर्मा है। और भैया आप कितने टाइम से काम कर रहे हो इस रेस्टोरेंट में, और आपका वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा है? मेरे को 3 साल हो गए यहाँ काम करते। आपको कैसा लगता है यहाँ काम करना? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो यहाँ पर हमने सब लोगों से बात कर ली है, और ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सब्जियाँ कुछ कटी हुई पड़ी हैं। अब मैं यहाँ पर आपको सिटिंग दिखा देता हूँ कि सिटिंग किस तरह की है। तो देखिए आप, यहाँ पर इस तरह से चेयर्स और टेबल लगी हुई है, डाइनिंग टेबल, और यहाँ पर एक फ्रिज भी है जिसके अंदर हम कोल्ड ड्रिंक्स देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्रिज है यहाँ पर, और एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, तो फव्वारा चौक के पास में और प्रताप नगर के पास में, एक्चुअली फव्वारा चौक प्रताप नगर आसपास ही है। तो आप जब आएंगे प्रताप नगर, ओके, उसके थोड़ा आगे आएंगे आपको होटल कीर्ति प्लाजा मिलेगा, उससे अंदर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट मिलेगा। रेस्टोरेंट का नाम है बॉम्बे स्नैक्स कॉर्नर। ओके, तो यहाँ पर आइए, और आप भी जो जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ वो टेस्ट ज़रूर कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो अब चलते हैं, हमारी पाव भाजी रेडी है, तो अब देखते हैं पाव भाजी। पाव भाजी एकदम बढ़िया यहाँ पे पाव है, देखिए कितना क्रीमी और सॉफ्ट है। और इसके साथ में हमको बहुत सारी भाजी दी गई है स्पून के साथ में, और टिश्यूज़ भी साथ में दिए गए हैं, और थोड़े से प्याज और नींबू भी है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल पर ला के कि ये किस तरह का फूड है, एंड इसको टेस्ट करते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर ये हमारी पूरी प्लेट है पाव भाजी की 70 रुपीज़ की, और ये देखिए कितने क्रीमी और बटर में सोक्ड पाव है यहाँ पर, एकदम सॉफ्ट, कैसे आराम से टूट गए। अब यहाँ पूरा का पूरा जो चीज़ ग्रेट करके डाला है भैया ने इस चीज़ के साथ में, इसको टेस्ट करते हैं। ओके, एकदम बढ़िया, टॉप क्लास पाव भाजी है, जैसा कि मैं हमेशा की तरह कहता आया हूँ, एकदम बढ़िया पाव भाजी है। और अभी जो हमने वेज चीज़ सैंडविच ऑर्डर किए हैं वो भी आने बाकी हैं, सो कीप वॉचिंग। इसको थोड़ा सा प्याज के साथ हम खा सकते हैं, केचप भी लूँगा थोड़ा सा। ओके, एकदम बढ़िया है, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, चटपटा है, भाजी बढ़िया है, और सॉस के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। पाव पाव का अपना खुद एक टेस्ट है, केवल फ्राइड पाव नहीं है। ओके, थोड़ा सा इसके अंदर नींबू भी जोड़ लेते हैं, अब टेस्ट करते हैं इसको। एकदम बहुत ही प्यारा सा बच्चा है बेटा, क्या नाम है आपका? लक्ष्य। तो लक्ष्य आपका नाम है। अब आप बताइए मेरे को, यहाँ कितने टाइम से आ रहे हो आप? 1-2 साल से। 1-2 साल से आ रहे हो, अच्छा लगता है ये रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपकी फेवरेट डिश क्या है? पाव भाजी। अरे वाह, मैं भी पाव भाजी खा रहा हूँ, पाव भाजी इनकी फेवरेट डिश है। ओके, तो आप पाव भाजी खाते हो तो पापा दिला देते हैं? दिला देते हैं। कितना कितनी बार आते हो आप? महीने में 1-2 बार। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो आपको ओवरऑल 5 में से अगर रेटिंग देनी हो तो कितनी रेटिंग दोगे, मतलब आप 5 में से कितने मार्क्स दोगे इस रेस्टोरेंट को? 100 में से 100। ओके, तो इसने 100 में से 100 मार्क्स दे दिए रेस्टोरेंट को, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ। ओके, तो आप बताइए, आप और कुछ बोलना चाहेंगे इस रेस्टोरेंट के बारे में? फास्ट भी देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कई रेस्टोरेंट्स होते हैं जो बहुत वेट करवाते हैं, यहाँ पे खाना फास्टली मिल जाता है। यहाँ पर देखिए सिटिंग भी बहुत अच्छी है, फैंस चल रहे हैं, लाइटिंग है यहाँ पर। ओके,
आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटेड फैंस हैं जो चारों तरफ घूम के हर एक को अच्छे से यहाँ पर हवा देते हैं। ओके, और यहाँ चारों तरफ पोस्टर्स भी लगे हैं, सिटिंग भी बहुत सारी है, प्लेंटी ऑफ सिटिंग हियर। ओके, तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। अब हमारे वेजी सैंडविच बाकी हैं, वो भी आ चुके हैं। हमारे सैंडविचेस भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी यहाँ पे प्लेट है और कितना बढ़िया सैंडविच है यहाँ पर। इतना सारा मेयोनीज, चीज़, साथ में धनिया की चटनी, केचप और ये जो सेव ऊपर बुरका रखी है, ये मेरे को बहुत पसंद है। ओके, सो आई कांट वेट नाउ, जल्दी से खाते हैं एंड आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। ओके, इसको रखेंगे साइड में एक बार के लिए एंड आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, ये सिर्फ 70 रुपीज़ में आपको इतना अच्छा मिल गया है। ओके, तो इसको अब मैं देखो, देखो यार फिलिंग नीचे टपक रही है। एकदम एवन, एकदम टॉप क्लास, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर एक बार और इस चटनी से खाते हैं। मेयोनेज और चीज़ का टेस्ट भर भर के आ रहा है। ब्रेड जली नहीं है, बहुत अच्छे से टोस्टेड है। साथ में इसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं, उनका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और मसाले तो एकदम कमाल हैं। अब चख लेते हैं हम थोड़ा सा केचप, इसके साथ सैंडविच कैसा लगता है। कमाल, बेमिसाल, बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए आप, डोसा बन रहा है एकदम बढ़िया मसालेदार। ओके, भैया ने डाल दी यहाँ पे सब्जियाँ मसाले के अंदर, मक्खन भी डाला हुआ है भैया ने इसके ऊपर। यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से मसाला लग गया है। भैया ये किस चीज़ का मसाला है, आलू का? आलू का मसाला था, वेजिटेबल रहते हैं इसके अंदर भी, प्याज होगा, टमाटर होगा, सब मिक्स रहता है, मिक्स वेज उसकी भाजी बन गया। यहाँ पर एकदम बहुत अच्छे से पैकिंग कर दी भैया ने, डायरेक्ट एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर गर्मा गर्म। ये देखिए, ये कौन सा लिक्विड है भैया? ये कॉर्न फ्लोर वगैरह रहता है इसमें, मैदा वगैरह रहता है। यहाँ देखिए भैया चाउमीन बना रहे हैं, कितना बढ़िया चाउमीन। भैया ये तो तैयार लग रहा है। जी सर, क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? वेजिटेबल वगैरह नूडल्स पूछ के उसका मसाला बनता है। ओके भैया, दो रेपल एकदम बढ़िया तरीके से भैया चाउमीन भर रहे हैं इसके अंदर। आप कटिंग भी लेना चाहोगे क्या? बढ़िया इसके लिए भैया आपके अंदर। गाइस बहुत ही मज़ा आया, बहुत बहुत आनंद आया यहाँ पर खाकर। मैंने सैंडविच खाया, पाव भाजी खाई और मेरा डोसा भी यहाँ पर पैक हो गया है। एकदम प्यार से भैया ने पैक कर दिया है डोसा। ओके, तो अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा बिलिंग और उसके बाद में चलते हैं घर। ओके, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये भैया आपको कैसे लगे। अरे भैया आपका नाम तो बताओ। शिनू। अच्छा, तो ये भैया आपको कैसे लगे और आपको ये रेस्टोरेंट कैसा लगा? मैंने इनके कस्टमर से पूछी रेटिंग, तो आप भी बताइए कमेंट में कि क्या रेटिंग आप देंगे 5 में से इस रेस्टोरेंट को। ओके, और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो एक बार भैया से डिटेल में एड्रेस सुन लीजिए इस रेस्टोरेंट का। प्रताप नगर फोरा चौक सिटी प्लाजा के सर सामने वाली गली में। ओके, बॉम्बे स्नैक्स कॉर्नर। बॉम्बे स्नैक्स कॉर्नर, जैसा कि मैंने भी आपको एड्रेस बताया था वही एड्रेस भैया ने बताया है। अब भैया मेरे कितने पैसे हुए एक बार आप टोटल बता दीजिए। 240 हो जाए। ओके, 240 रुपीज़, तो मैं अभी दे देता हूँ
ओके, तो पेमेंट मेरा कंप्लीट है और भैया ने रिटर्न गिफ्ट भी दिया है ये चॉकलेट्स, तो इनको भी एक बार कैसा लगा वो रेस्टोरेंट मुझे ज़रूर बताइए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कमेंट करके, एंड वीडियोस देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।